Hi everyone, welcome back to Ozone Classes. We are going to extend our studies on plant growth and development in this topic, where we would be talking about the development and the plant growth regulators specifically. हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि plant development की जब हम बात करते हैं तो development के अंदर आखिर होता क्या क्या है, क्या क्या important processes हैं जो कि development के अंदर include हैं and किस हिसाब से वो plant को impact करते हैं. As well as यहाँ पर plant ग्रोथ रेगुलेटर्स की हम लोग बात करेंगे. पांच प्रकार के प्लांट हॉर्मोन्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, उनका केमिकल नेचर क्या होता है, उनकी डिस्कवरी किस हिसाब से करी गई एंड उनके प्लांट के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट्स होते हैं. वी विल बी टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. सो ये लेक्चर बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है. प्लीज मेक श्योर कि आप इस कंप्लीट लेक्चर को देखें. अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑन आर पेड कोर्सेज तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा, वहां पर आप हमारे 100 डेज क्रैश कोर्स को या हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं. I'll recommend you to go and check out the course. It is a very promising course, जहां पर आप एक अच्छे खासे marks range को target कर सकते हैं और एक अच्छे government medical college तक अपना रास्ता जो है आसानी से pave कर सकते हैं. Now, without any further delay, let's get to the topic. Plant growth and development की हम लोग बात कर रहे हैं इस chapter के अंदर. Growth का मतलब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं. Since इस term का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग chapters के अंदर अभी तक काफी बार कर चुके हैं. ग्रोथ हम फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ रहे हैं दोस्त, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से. ग्रोथ का मतलब है ईदर इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. सो हमें बेहतर तरीके से पता है कि एक प्लांट को जब आप ग्रो करेंगे, जो कि एक सीड के फॉर्म में है, उसे आपने जमीन में डाला, वो सीडलिंग बना, उसके बाद वो प्लांटलेट बना, एक बहुत बड़ा पेड़ बना, तो उसके मास में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. जब आप एक प्लांट के मास में इंक्रीमेंट देखते हैं तो आपको बेहतर तरीके से पता लग गया है कि वो ग्रो किया है. एंड सेकेंडली यहां पर नंबर ऑफ सेल्स भी ऑब्वियसली बढ़े हैं एक प्लांट के अंदर. इनिशियली कुछ चुनिंदा सेल थे, कुछ हजार सेल आप लोग कह सकते हो, राइट. लेकिन उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रही, प्लांट के अंदर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आपके बन गए, अलग अलग प्रकार के टिश्यूज बन गए, तो यहां पर ग्रोथ और डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअसली प्लांट के अंदर होता रहता है. लेकिन अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट एक्चुअल में किसे कहा जाता है? डेवलपमेंट का मतलब है वो सारे के सारे चेंजेस, वो सारे के सारे बदलाव जो कि एक प्लांट में हुए फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंस. यानी आपने एक बीज को धरती के अंदर बो दिया है, उस बीज के उगने से लेकर के एक प्लांट के बूढ़े हो जाने तक, उसकी डेथ हो जाने तक, बीच में जो भी इवेंट्स हुए उन सबको आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हो एक प्लांट के. यानी कि एक सीड को आपने जमीन में उगाया, अगर लेट्स से ये एक सीड है, आपने इसको जमीन के अंदर उगा दिया है, अगर आपने इसे जमीन के अंदर उगाया है तो अब ये आपका थोड़ा सा अंकुरित होगा, ये भी डेवलपमेंट है. अंकुरित होने के बाद ये बाहर आएगा, ये भी डेवलपमेंट है. बाहर आने के बाद ये प्लांटलेट में कन्वर्ट होगा, ये भी डेवलपमेंट है. प्लांटलेट में कन्वर्ट होने के बाद ये बहुत बड़े पेड़ में कन्वर्ट होगा, फ्लावर वगैरह इसके ऊपर आना स्टार्ट होगा, ये भी डेवलपमेंट है. उसके बाद ये और बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, इसकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, सेनेसेंस इसके अंदर आनी स्टार्ट हो जाएगी एंड अल्टीमेटली इस प्लांट की डेथ हो जाएगी. तब तक जो भी आपके इवेंट्स हुए हैं वो आपके सेनेसेंस के अंदर काउंट होंगे, सेनेसेंस के अंदर आप लोग उन्हें मेंशन कर सकते हैं. यानी सीड बोने से लेकर के प्लांट के बूढ़े होकर मरने तक जो भी इवेंट्स यहां पर आप देख रहे हैं वो क्या है, डेवलपमेंट के अंदर आते हैं. अब यहां पर हमें अच्छे तरीके से पता लगेगा कि डेवलपमेंट आखिर होती क्या है. एंड दिस डायग्राम इज वेरी 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 टिपिकल. काफी बार स्टूडेंट्स को खुद से डायग्राम समझ में नहीं आता और नहीं ही आएगा अगर आपके बेस अच्छे तरीके से क्लैरिफाइड नहीं है. तो प्लीज मेक श्योर कि मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत अच्छे तरीके से आप सुने और मेरे पॉइंटर को आप जो है बहुत बेहतर तरीके से देखते रहें, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ. एनसीईआरटी में थोड़ा सा बेकार तरीके से इस डायग्राम को बनाया हुआ है. देखो यार, यहां पर एक मेरिस्टमैटिक सेल है. मेरिस्टमैटिक सेल के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो डिवाइड कर सकता है और डिवाइड करने के बाद वो एक और मेरिस्टमैटिक सेल बनाएगा, यानी खुद को रीजनरेट कर लेगा, और एक जो उसने दूसरा सेल बनाया वो परमानेंट सेल में कन्वर्ट होगा और डिफरेंशिएट होकर एक पर्टिकुलर टाइप का सेल बनके कुछ काम धंधा करना स्टार्ट करेगा. तो ये मेरिस्टमैटिक सेल है दोस्त. यहां पर प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई. प्लाज्मेटिक ग्रोथ मतलब प्लाज्मा इंक्रीज हुआ सेल का. अगर प्लाज्मा इंक्रीज हुआ यानी सेल का साइज जो है वो बढ़ेगा. यहां पर सेल का साइज बढ़ा, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई. एक्सपेंशन और इलोंगेशन यानी साइज और लंबा हुआ. तो यहां पर देखो प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद एक्सपेंशन आई. अब एक्सपेंशन के बाद क्या होगा, डिफरेंशिएशन. यानी एक सेल जो है वो आपका डिफरेंशिएट हो गया, तो दूसरा सेल कहां गया,
एक्सपेंशन के बाद सेल डिवाइड हो गए होंगे, यहां पे दो सेल बने होंगे, एक सेल तो भैया आपका दोबारा से मेरिस्टमैटिक बन गया, वापस आ गया, तो ये एक सेल है। दूसरा सेल डिफरेंशिएट करेगा और मैच्योर होकर एक मैच्योर्ड सेल बनाएगा, एक पर्टिकुलर काम धंधे को करना स्टार्ट करेगा, और वो सेल फिर आगे चल के बूढ़ा होता जाएगा और उस सेल की डेथ हो जाएगी। ये आपको यहां पर बताया हुआ है। यानी अगर आपको ठीक तरीके से एनसीईआरटी में समझ ना आया हो तो मैं अलग से आपको एक डायग्राम बना करके बता देता हूं कि एक्चुअल में यहां पर क्या हुआ। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपका एक मेरिस्टमैटिक सेल है, मेरे साथ साथ बनाते रहना दोस्त। ये आपका एक मेरिस्टमैटिक सेल है, इसे हम क्या लिख देते हैं, एमसी लिख देते हैं, मेरिस्टमैटिक सेल। अब ये एक मेरिस्टमैटिक सेल है तो जाहिर सी बात है इस सेल के अंदर ग्रोथ होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। यानी सेल बड़ा होगा, डिवीजन होने से पहले सेल का बड़ा होना इंपॉर्टेंट है, तभी जाके सेल को डिवीजन का सिग्नल मिलता है। तो ये सेल बड़ा हुआ यानी प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई। प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद आप यहां पर एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं कि और ज्यादा एक्सपेंशन हुई। इसके बाद आपके दो सेल यहां पर बन गए, एक सेल आपका ये जो कि दोबारा से मेरिस्टमैटिक में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि मेरिस्टमैटिक सेल जो है दोबारा से क्या हो गया है, रीजनरेट हो गया है। ठीक है, एक सेल तो अपना वापस आ गया जो दोबारा से डिवीजन स्टार्ट करेगा, लेकिन दूसरा सेल जो बना मेरे बंधु, ये क्या बना, जो दूसरा सेल बना ये परमानेंट सेल बना। तो ये आपका मेरिस्टमैटिक सेल ही है ये, लेकिन आपका क्या बना, परमानेंट सेल बना। ऑलराइट, अब ये जो परमानेंट सेल है इसमें क्या हो गया, ये जो परमानेंट सेल है ये क्या करेगा, डिफरेंशिएट कर चुका है तो ये अपने आप को और मैच्योर करेगा और ज्यादा मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने के बाद ये अपने पूरे के पूरे लाइफ साइकिल को ठीक तरीके से कंप्लीट करेगा एंड देन बूढ़ा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सेनेसेंट हो जाएगा। और सेनेसेंट होने के बाद क्या होगा, इस सेल की डेथ हो जाएगी, तो इसकी डेथ हो जाएगी। अब आप अगर पिछला डायग्राम ठीक से देखेंगे तो आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। मेरिस्टमैटिक सेल ये आपका एक सेल था, एक सेल, ठीक है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई, एक्सपेंशन हुई, तो इसने दो सेल बना लिए, दो सेल्स बना लिए, दो सेल में से एक सेल तो आपका रीजनरेट होकर दोबारा से मेरिस्टमैटिक बन गया, इस पाथ से आकर के यहां पे आ गया, दोबारा मेरिस्टमैटिक बन गया, और दूसरा जो सेल था वो डिफरेंशिएट हुआ, मैच्योर हुआ, मैच्योर सेल में कन्वर्ट हुआ, अल्टीमेटली बूढ़ा हुआ, बूढ़ा होने के बाद उसकी डेथ हो गई। राइट, ये जो है आपको यहां पर देखने को मिला, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, अब आपको ठीक तरीके से समझ में आ चुका होगा। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब अपने ऑर्गन्स की शेप को चेंज करना। तो काफी बार जो प्लांट्स होते हैं वो अपने ऑर्गन्स की शेप को चेंज कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन टू थिंग्स। एक, क्योंकि जिंदगी का कौन सा फेज चल रहा है, यानी कोई ऑर्गन जवानी में कैसा दिखता होगा, बुढ़ापे में कैसा और दिखाई देगा। एंड सेकेंड, इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, यानी उसके आसपास वातावरण कैसा है। पानी के अंदर पत्तियों की शेप कुछ और हो जाएगी, हवा के अंदर पत्तियों की शेप कुछ और हो जाएगी। ये दो चीजें हैं, पहला आपका एनवायरमेंट कि पत्ते प्रेजेंट कहां पर है, दूसरा फेजेस कि पत्ते हैं किस फेज में, क्या वो अभी यंग है, क्या वो अभी जवान है, क्या वो अभी बूढ़े हैं। तो यहां पर सबसे अच्छी जो आपको प्लास्टिसिटी की एग्जांपल देखने को मिलती है, दैट इज हेट्रोफिली। हेट्रोफिली में हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, राइट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम, और फिली का मतलब क्या है, जैसे क्लोरोफिल, तो फिल वर्ड जो है इट इज रिलेटेड टू लीफ। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि कॉटन के अंदर यानी आपका रुई के पेड़ में, कोरिएंडर में यानी धनिये में, एंड लार्क्सपर में। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जवानी में पत्ता अलग कलर का या अलग शेप का है, अलग शेप बेसिकली, एंड मैच्योरिटी पे वो अलग शेप का हो गया। एंड बटर कप के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वाटर में जो बटर कप का लीफ है वो अलग दिखाई दे रहा है और हवा में जो है वो अलग दिखाई दे रहा है। तो हेट्रोफिली क्या है, एक तरीके की प्लास्टिसिटी का ही एग्जांपल है, जहां पे ऑर्गन अपनी शेप को चेंज करता है दो रीजंस की वजह से। ये वाला जवान है, कोरिएंडर का आप इसे कह सकते हैं जुवेनाइल और अडल्ट, ये वाला आपका जवान है। तो इसमें क्या हो रहा है, लार्क्सपर के अंदर आपके लीफ अलग अलग प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, जवानी में अलग दिखाई दे रहे हैं, अडल्ट होके अलग दिखाई दे रहे हैं। जुवेनाइल और अडल्ट लीफ अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो यहां पे फैक्टर कौन सा हुआ, यहां पे फैक्टर हुआ फेज ऑफ लाइफ। ओके, यहां पे फैक्टर हुआ फेज ऑफ लाइफ, इसमें ये अलग दिखाई देगा अलग फेज में, ये अलग दिखाई देगा अलग फेज में। सिमिलरली सेकेंड अगर आप एग्जाम्पल देखें बटर कप, तो बटर कप जब पानी में रहता है ना, उसके नीचे के जो लीव्स हैं जो पानी में डूबे हुए रहते हैं वो इस प्रकार के दिखाई देते हैं, पतले पतले। क्यों, क्योंकि चौड़ा पत्ता होगा ना तो पानी के बहाव से, लहरों के टकराव से फट जाएगा, और लहरों की तरह ही उसकी शेप हुई ना, ऐसे रिबन टाइप, तो लहरें
उसके साथ साथ ही निकल जाएंगी, उस पत्ते को हार्म नहीं करेंगी, तो ये पतले पतले पत्ते वाटर में पत्ते को टूटने नहीं देते। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कोई दिक्कत नहीं है यार, यहां पे आपके चौड़े चौड़े लीव्स हो सकते हैं। तो हेट्रोफिली है दोनों के दोनों केसेस में, लेकिन पहले केस में फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से हेट्रोफिली है, जुवेनाइल और अडल्ट में अलग अलग देखने को मिल रहा है आपको। यहां पर हैबिटेट की वजह से हेट्रोफिली है, वाटर में आपको अलग प्रकार के लीव्स देखने को मिल रहे हैं और लैंड पर आपको अलग प्रकार के लीव्स देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम्पल यहां अच्छे तरीके से पढ़ना है दोस्त, कॉटन, कोरिएंडर और लार्क्सपर, ये आपके जुवेनाइल और अडल्ट में डिफरेंट शेप ऑफ लीव्स दिखाते हैं, जबकि बटरकप जो है ये आपका वाटर में आएगा। वाटर को आप कप में पी सकते हो ना, तो बटरकप आप ऐसे याद कर लेना, राइट। बटरकप यानी कप की आप बात कर रहे हो तो उसमें आप पानी डाल सकते हो, खाली है तो उसके अंदर हवा रहेगी तो बटर कप आपको याद हो जाएगा। बची हुई सारी की सारी चीजें फेजेस ऑफ लाइफ के एग्जांपल्स में आती हैं। अब प्लांट में जब ये डेवलपमेंट होती है, जब सेल्स डिवाइड करते हैं, जब सेल्स डिफरेंशिएट करते हैं, एक मैच्योर सेल बनाते हैं, उसके बाद और अपने आप को मैच्योर बनाने के बाद किसी काम धंधे को पकड़ते हैं, उस काम को पूरी जिंदगी अच्छे तरीके से निभाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है, सारे जो डेवलपमेंटल इवेंट्स हैं ये बेसिकली आपके कुछ फैक्टर्स द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। ये फैक्टर्स प्लांट के अंदर के फैक्टर भी हो सकते हैं, जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर कहा जाता है, या ये प्लांट के बाहर के फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कहा जाता है। अब प्लांट के अंदर के कौन कौन से फैक्टर हैं दोस्त? प्लांट के अंदर एक तो आपके बन रहे हैं हॉर्मोन्स यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर आएगा। और दूसरे इंपॉर्टेंट चीज कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो बन रहे हैं, यहां पर प्लांट की अपनी जेनेटिक्स भी होगी, प्लांट का जेनेटिक मटेरियल यानी प्लांट का डीएनए भी डिफाइन करेगा कि किस तरीके की चीजें आपकी बनेंगी प्लांट के अंदर। तो पीजीआर और जेनेटिक्स इंट्रिंसिक फैक्टर में आते हैं, जबकि प्लांट के बाहर तो हजारों फैक्टर हो सकते हैं यार, कि प्लांट के बाहर पानी कैसा है, ओके, प्लांट के बाहर सनलाइट कैसी है, प्लांट के बाहर टेम्परेचर कैसा है, राइट, ह्यूमिडिटी कैसी है, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ, जहां पर सेल डिवीजन हो रही है, और डिफरेंशिएशन, जहां पे सेल्स मैच्योर हो रहे हैं, अपने आप को और बेहतर बना रहे हैं और सेनेसेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। तो हमें यहां पर जानना है कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो पहला इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि मैंने आपको बताया वो है पीजीआर, यानी कि द प्रेजेंस ऑफ और द इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और यू कैन कॉल देम प्लांट हॉर्मोन्स। एंड सेकेंड वन इज द प्लांट जेनेटिक्स। हम इस चैप्टर के अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की सिंस बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम पांच प्रकार के हॉर्मोन्स की बात करेंगे, जिनको हमने दो कैटेगरीज के अंदर डाला है। जो दो कैटेगरीज हैं प्लांट हॉर्मोन्स की, एक है उसमें से एक्टिवेटर हॉर्मोन, यानी ऐसे हॉर्मोन जो कि प्लांट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, उसे और बेहतर बना देते हैं। और दूसरे प्रकार की एक्टिविटीज है रोकने वाली, यानी इनहिबिटरी एक्टिविटीज। तो यहां पर देखो यार, एक्टिवेटर जो है ये आपके तीन है, यहां पर तीन आपके नाम होते हैं विच यू नीड टू रिमेंबर। पहला जो आपका एक्टिवेटर है दैट इज ऑक्सिन, दूसरा जो आपका एक्टिवेटर है दैट इज जिबरलिन, जिसे आप जिबरलिक एसिड भी बोलते हो, तो जीए भी इसे हम लिखते हैं, एंड थर्ड वन इज साइटोकाइन। जबकि इनहिबिटरी जो है इसमें आपके दो आते हैं, यूजुअली एक जिसको स्ट्रिक्टली इनहिबिटरी बोला जाता है वो है एबीए यानी एब्सिसिक एसिड, और इथाइलिन जो है ये थोड़े बहुत अच्छे काम भी करता है लेकिन बुरे काम इसके थोड़े ज्यादा ही हैं, इसीलिए इसको यहां रखा गया है इनहिबिटरी हॉर्मोन्स में। यानी थोड़ा बहुत एक्टिवेटरी हॉर्मोन की प्रॉपर्टी भी शो करता है लेकिन इनहिबिटरी थोड़ा ज्यादा ही है ये, तो इसके पाप पुण्य से ज्यादा है इसीलिए यहां पर इसे एब्सिसिक एसिड के साथ जगह मिली है। तो इन पांचों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में हमें पढ़ना है दोस्त इस चैप्टर में, दैट इज ऑक्सिन, जिबरलिक एसिड जिसे जिबरलिन भी कहते हैं, साइटोकाइन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये पांच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। ये किस किस केमिकल के बने होते हैं, यानी इसका बेस केमिकल क्या है, इनकी डिस्कवरी कैसे कैसे हुई, एंड क्या क्या इनके इंपैक्ट है प्लांट के ऊपर, ये तीन चीजें हमें पढ़नी रहती हैं। तो पहली चीज मैंने आपको यहां पर क्या बताई, कि इनका बेस केमिकल क्या है। जैसे अगर मैं बोलूं ऑक्सिन, तो ऑक्सिन किस चीज का बना हुआ है, ये इंडोल कंपाउंड्स होते हैं, यानी इंडोल चेन के ये बने हुए होंगे,
तो ऑक्सिन इज एन इंडोल कंपाउंड। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसी और चीज की कि साइटोसिन का कोई डेरिवेटिव होगा, आपका टर्पीन का कोई डेरिवेटिव होगा, तो उस हिसाब से इनके अलग अलग बेस केमिकल होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्कवरी। इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने करी और कैसे इनकी डिस्कवरी करी? सब के सब जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इनकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल है, यानी सब तुक्के से डिस्कवर हुई है। लेकिन हर साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ यूनिक बात नोटिस करी, जिसको अल्टीमेटली उन्होंने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी में लगाया। तो माना कि वो कुछ काम नहीं करना चाह रहे थे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के ऊपर, लेकिन उन्हें एट द एंड ऑफ द डे ये डिस्कवरीज मिल गई। लेट्स से मैं काम कर रहा हूं किसी एंटीबायोटिक के ऊपर, लेकिन मुझे कुछ ऐसा दिखा कि मुझे एक इंसाइट मिल गई कि यार ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से ना कुछ रिलेटेड है। ये जो केमिकल जिस पे मैं रिसर्च कर रहा हूं वो एंटीबायोटिक का काम नहीं कर रहा, लेकिन वो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा दे रहा है। तो ये पीजीआर है एक प्रकार का। तो मैं अल्टीमेटली कहीं और अपने इंटरेस्ट को शिफ्ट कर चुका हूं। अब मैं एंटीबायोटिक पर रिसर्च ना करके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पर रिसर्च कर रहा हूं। सिमिलरली अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट हैव डन सो, और उनकी रिसर्च जो है काफी ज्यादा अच्छे खासे तरीके से प्रॉपरली कंप्लीट भी हुई। तो इनकी डिस्कवरी किसने करी और कैसे कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, स्टोरीज क्या है वो हमें जानना है, एंड देन हमें बात करनी है इंपैक्ट्स की कि आखिर ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं इनका प्लांट की ग्रोथ पर क्या इंपैक्ट होता है। तो एक एक करके सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बेस केमिकल की। बेस केमिकल अगर आप यहां पर देखें तो सबका अलग अलग होगा ऑब्वियसली। अब ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, इंडोल कंपाउंड भी हो सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ओके। तो ये क्या होते हैं, ऑक्सिन होते हैं। इंडोल कंपाउंड्स आर बेसिकली ऑक्सिन। तो सबसे कॉमन जो ऑक्सिन हमें देखने को मिलता है दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम IAA भी लिखते हैं। दे कुड बी एडेनिन डेरिवेटिव। एडेनिन आपको पता है ये नाइट्रोजिनस बेस है। तो यहां पर N6 परफ्यूराइल अमीनो प्यूरीन, प्यूरीन का मतलब आपके 9 मेंबर की रिंग है जो कि हमने बनाई थी एडेनिन में। तो एडेनिन वाला जो प्यूरीन है सेम वही यहां पर प्यूरीन चेन है, और यहां पर एडेनिन में जो अमीनो ग्रुप था उसके ऊपर आपने परफ्यूराइल लगा दिया है 6 नाइट्रोजन के ऊपर। यानी देखिए ये आपके 9 मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर ये, 3 मेंबर ये, हो गया राइट। अब यहां पर 6th पोजीशन का जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर क्या लग गया, आपका परफ्यूराइल ग्रुप लग गया। तो यहां तक क्या था, आपका अमीनो प्यूरीन था जिसको आप एडेनिन भी बोलते हो। इस एडेनिन के ऊपर 6th पोजीशन के नाइट्रोजन पे परफ्यूराइल आपने ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या बन गया, काइनेटिन बन गया, यानी कि ये आपका क्या बन गया, साइटोकाइनिन बन गया। काइनिन का मतलब होता है डिवीजन, तो काइनेटिन में भी काइन वर्ड आ रहा है विच मींस डिवीजन। यहां पर भी साइटोकाइनिन में काइनिन वर्ड आ रहा है विच मींस डिवीजन, यानी सेल डिवीजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कैरोटीनॉइड्स ये आपके प्रेजेंट होते हैं एब्सिसिक एसिड में, जिसे आप प्यार से ABA भी बोलते हो। याद कैसे करें, आप एकदम कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट्स देखो, ABC। AB का मतलब क्या है, AB का मतलब है एब्सिसिक एसिड, ABA। देखो एब्सिसिक एसिड आ गया ना AB में, और C का मतलब क्या है, कैरोटीनॉइड। यानी AB जो है एब्सिसिक एसिड, उसमें C नाम का केमिकल प्रेजेंट होगा, दैट इज कैरोटीनॉइड। टर्पीन ये आपका जिबरेलिक एसिड या आपका जिबरेलिन में प्रेजेंट होगा। एंड गैशियस हार्मोन आपका एक ही होता है, दैट इज इथाइलीन, विच इज बेसिकली कॉल्ड इथीन इन केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री में आप ये बनाते हो 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो आपके डबल बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से इसे आप क्या बोलते हो, इथीन। आपने पढ़ा होगा ना कि एकदम ही अगर सिंगल बॉन्ड से सारे के सारे तो इट इज कॉल्ड एज अल्केन। एक डबल बॉन्ड है अल्कीन, एक ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन, सो दिस इज अल्कीन। सो इसे 2 कार्बन का है तो मिथ इथ बोल के हम लोग इथीन बोलेंगे। यहां पर इसे इथाइलिन भी कहा जाता है बायोलॉजिकल लैंग्वेज के अंदर। ये इकलौता गैशियस हार्मोन है, इनको फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है या प्लांट हार्मोन भी कहा जाता है, और सबसे बेहतर अगर इनका नाम कोई बताया जाए तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन्हें कहा जाता है। जस्ट लाइक एनिमल हार्मोन्स, ये भी छोटे छोटे साइज के सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है। प्लांट में भी कुछ ऐसे रीजन होंगे जो हार्मोन बना रहे होंगे और किसी एक जगह पर उन्हें ट्रेवल करके जाना होगा, तो इसीलिए स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अलग अलग इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, जैसे एब्सिसिक एसिड की ट्रिक मैंने बताई ABC,
तो एब्सिसिक एसिड जो है दैट इज ए बी, उसमें सी नाम का केमिकल होगा विच इज कॉल्ड एज कैरोटीनॉइड। यहां पर अगर आप देखें फर्फ्यूराइल ग्रुप अगर आप एड कर दे एडेनिन के ऊपर देन इट बिकम्स काइनेटिन, यानी वो एक साइटोकाइनिन बन जाएगा। इंडोल ग्रुप जो है आपका ऑक्सिन बना सकता है। सिमिलरली टर्पीन ग्रुप जो है वो आपका जुड़ जुड़कर जिबरलिक एसिड बना सकता है, जिबरलिन बना सकता है। और आपका इथाइलिन तो बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल है तो वो डायरेक्टली इथीन ही है आपका, जिसे हम इथाइलिन बोलते हैं, विच इज गैशियस इन नेचर, क्योंकि काफी छोटा मॉलिक्यूल है तो इसमें बहुत ज्यादा फोर्सेस नहीं आ पाती, तो छोटा मॉलिक्यूल है तो यूजुअली वॉलेटाइल रहता है, गैशियस फॉर्म में ही आपको देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग केमिकल नेचर्स थे पांचों के पांचों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के। अब हमें ये जानना है कि आखिर ये डिस्कवर कैसे हुए, लेकिन उससे पहले इन्हें दो ग्रुप्स में हम लोग तोड़ लेंगे, जिन दो ग्रुप्स में मैंने इन्हें पहले ही तोड़ दिया था। यानी एक ग्रुप ऐसा होगा जो प्रमोटरिंग एक्टिविटी करा रहा होगा, यानी इंड्यूस करा रहा होगा किसी चीज को, चीजों को एडवांस लेवल पर लेके जा रहा होगा, जैसे कि सेल डिवीजन करवाना, सेल को बड़ा करना, पैटर्न फॉर्मेशन, यानी एक प्लांट है उसमें किस साइड से लीफ निकलेंगी, किस साइड से फ्रूट निकलेगा, किस साइड से फ्लावर निकलेगा, वो पैटर्न यहां पर बनाना। ट्रॉपिक ग्रोथ मतलब किस साइड सन की तरफ चीजों को अट्रैक्ट होना चाहिए, कौन सी चीज आपकी धरती के अंदर जाएगी, कौन सी चीज ऊपर रहेगी, कौन सी चीज सन को फेस करेगी, कौन सी चीज सन को फेस नहीं करेगी, उसे हम ट्रॉपिक ग्रोथ बोलते हैं। मैंने आपको बताया था जियोट्रॉफिज्म यानी धरती से लगाओ, तो रूट हमेशा धरती से जुड़ी हुई होती है, अंदर की साइड रहती है, तो इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, दैट इज अ ट्रॉफिक मूवमेंट और ट्रॉफिक ग्रोथ। स्टेम जो है वो आपका सन की तरफ फेस करती है, वो फोटोट्रॉफिक होती है, तो इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। सो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर नोटिस कर सकते हैं। फ्लावरिंग करना इज एन एडवांस थिंग, फ्रूटिंग करना इज एन एडवांस थिंग, सीड बन रहा है इट इज एन एडवांस थिंग, ये सारे प्रमोटरी एक्टिविटीज है जो कि तीन प्रकार के हॉर्मोन्स करते हैं, आपका ऑक्सिन, आपका जिबरलिन और आपका साइटोकाइनिन। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है ये आपका स्ट्रेस में काम आता है, यूजुअली इनहिबिटिंग एक्टिविटीज इसकी होती है, जैसे डॉर्मेंसी, चीजों को डॉर्मेंट स्टेज में, इनएक्टिव स्टेज में भेज दिया, एब्सिशन, चीजें गिरने लग गई पेड़ पे से, ये सारी चीजें जो है आपका कौन संभालता है, एब्सिसिक एसिड। और इथाइलिन मैंने आपको बताया ये दोनों तरीके का है, लेकिन इसके पाप पुण्य से थोड़े ज्यादा है, तो अल्टीमेटली ये भी आपका इनहिबिटरी के अंदर आएगा, लेकिन यूजुअली इसको दोनों कैटेगरीज में ही हम लोग रख सकते हैं, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो इट इज इनहिबिटरी रेदर देन प्रमोटरी। अब देखिए यार, मैंने आपको बताया कि जो भी आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं इन सबकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल थी, यानी कोई भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पे काम नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़े बहुत उन्हें इनसाइट्स मिलते गए, उनका इंटरेस्ट डेवलप होता गया, एंड अल्टीमेटली उन्होंने शुरू कहीं और से किया था और अंजाम जो है उसका कुछ और ही निकला। सबसे पहले रिसर्च जिन्होंने स्टार्ट की इस डोमेन में वो थे चार्ल्स डार्विन, डार्विन साहब जो गैलापागोस आइलैंड पे गए थे, और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन। इन्होंने क्या देखे, इन्होंने सिलेप्टाइल्स देखे कैनरी ग्रास के, तो कैनरी ग्रास नाम की घास थी उसके सिलेप्टाइल को इन्होंने देखा, और इन्होंने देखा कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है ना इनके ऊपर, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये बेंड कर जाते हैं सन की तरफ, ओके, बेंड कर जाते हैं सन की तरफ, तो यहां पर कुछ ना कुछ सिंथेसाइज होता है जिसकी वजह से सन की तरफ बेंड करते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। तो इन्होंने कहा कि जब हम लाइट इल्यूमिनेट करते हैं इन कैनरी ग्रास के सिलेप्टाइल्स के ऊपर तो ये लाइट सोर्स की तरफ बेंड हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो टिप ऑफ सिलेप्टाइल है, ये जो इलाका है, ये आपका कुछ ना कुछ सिंथेसाइज कर रहा है, कोई ना कोई केमिकल बना रहा है। इन्होंने ये नहीं बताया वो केमिकल कौन सा था, इन्होंने सिर्फ ये बताया कोई ना कोई केमिकल बन रहा है जिस वजह से बेंडिंग होती है। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एफ डब्ल्यू वेंट, इन्होंने ओट की सीडलिंग में सेम एक्सपेरिमेंट किया कि ओट का सिलेप्टाइल जो है, ओट का, वो भी बेंड हो रहा है, तो उस ओट के सिलेप्टाइल को उन्होंने काटा एंड अल्टीमेटली देखा किसके अंदर ऑक्सिन नाम का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बन रहा है। तो चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने पहली बार इस डोमेन में रिसर्च करने का सोचा और उन्होंने कैनरी ग्रास के सिलेप्टाइल को बहुत अच्छे तरीके से देखा, लेकिन एफ डब्ल्यू वेंट साहब ने पहली बार प्लांट में से ऑक्सिन को निकाला, ओट की सीडलिंग पर रिसर्च किया, अदरवाइज ह्यूमन के यूरिन से भी सबसे पहले जो है आपका ऑक्सिन निकाला गया था, बट दैट वॉज बेसिकली अनएब्सॉर्ब्ड इन नेचर। यानी क्या होता है कि हम कोई भी चीज अगर खाते हैं तो कुछ चीजें हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद एब्सॉर्ब हो जाती हैं, ब्लड में चली जाती हैं, और कुछ चीजें हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं
जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, जो अनएब्जॉर्ब्ड मैटर है वो बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है इधर थ्रू फीकल मैटर और थ्रू यूरिन। तो इसीलिए उस यूरिन से कई बार ऑक्सीजन जो है पास हो गया और काफी साइंटिस्ट ने उसे आइसोलेट भी किया, बट दैट वॉज नॉट ऑफ आर ओरिजिन। तो ऑक्सीजन जो है ये प्लांट में F.W. वेंट ने सबसे पहली बार निकाला ओट की सीडलिंग में से, लेकिन एनिमल रिसोर्सेस से भी ये निकाला जा चुका था। देखिए यार यहां पर ये आपकी टिप है सिलेप्टाइल की, और ये जो टिप है यहां पर बन रहा है आपका क्या ऑक्सीजन। तो जैसे ही ऑक्सीजन बनेगा और सन की रेडिएशन यहां पर पड़ेंगी तो ये साइड बेंड होने लग पड़ेगी। ओके, बेंड क्यों हो जाएगी? क्योंकि दोस्त यहां पर ये जो आपका ऑक्सीजन है ना, ये यहां पर ज्यादा बनता है, तो यहां पे ऑक्सीजन की वजह से सेल हो जाएंगे बड़े बड़े। तो यहां पर कर्वेचर हो चुका है तो सेल हो गए हैं बड़े, तो 7 सेल्स को आने में इतनी जगह लगी, जबकि यहां पर सेल्स छोटे छोटे होंगे तो आएंगे इक्वल नंबर ऑफ सेल ही, 7 सेल एकदम बराबर सेल है 7 सेल, लेकिन यहां पर छोटे छोटे सेल है, दूसरे साइड यहां पर क्या है बड़े सेल है, क्योंकि इसका कर्वेचर बड़ा है। देखो यार, एक तो आपका ये है कर्वेचर छोटा सा, एक आपका ये है, दोनों में अगर बराबर नंबर ऑफ सेल्स हैं तो यहां पे सेल्स को बड़ा होना पड़ेगा ना, समझ लो 3-3 सेल है, तो यहां पे 3 सेल को बड़ा होना पड़ेगा, यहां पे 3 सेल थोड़े छोटे होंगे तो भी काम चल जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि ज्यादा कर्व्ड है ना, इसका सर्कमफेरेंस बड़ा है, इसका सर्कमफेरेंस छोटा है, तो इसीलिए पीछे की साइड जो है सेल्स आपको बड़े बड़े दिखाई देने लगे। क्यों? क्योंकि इस साइड ऑक्सीजन ज्यादा बनता है, तो इस साइड ऑक्सीजन आपका क्या बना, ज्यादा बना, जबकि दूसरी साइड जो है वहां पर ऑक्सीजन कम बना। ऑलराइट, जब आप इस टिप को काट दोगे तो रूट टिप और शूट टिप पर ही ऑक्सीजन ज्यादा बनता है, तो जब आप इस टिप को काट दोगे तो आपको पता लगेगा कि यार अब जो है ऑक्सीजन नहीं बन रहा है, तो कोई फर्दर बेंडिंग नहीं होगी। राइट, दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और यहां पर क्या किया आपने, एक अगार लिया, अगार का पीस, और इसमें आपने थोड़ा बहुत ऑक्सीजन डाल दिया। वो ऑक्सीजन जब दोबारा पहुंचेगा ना प्लांट तक, जब ऑक्सीजन दोबारा पहुंचेगा प्लांट तक, तो ये दोबारा से चीजों को बेंड करना स्टार्ट करवा देगा। यानी ऑक्सीजन है तो बेंडिंग है, ऑक्सीजन नहीं है तो बेंडिंग नहीं है, एज सिंपल एज दैट। ये आपके ऑक्सीजन की डिस्कवरी है। अब हम एक काम करते हैं यार, ऑक्सीजन को समझ भी लेते हैं डीप में, जिससे कि साथ साथ ही हमारी सारी चीजें कंप्लीट होती हुई चली जाए। तो ऑक्सीजन जो है इसका मेन काम क्या रहता है, ऑक्सीजन का मेन काम है रूटिंग को इनिशिएट कराना, यह बात याद रखना। यानी जब भी आप चाहोगे कि ये सेल्स का कोई गुच्छा है, ये सेल्स का गुच्छा एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाए, तो आप क्या करोगे, इस सेल के गुच्छे को क्या दोगे, दो हार्मोन्स दोगे इनिशियली, ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सीजन जब आप दोगे तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन हमेशा रूटिंग इनिशिएट कराता है। तो ऑक्सीजन क्या करा देगा दोस्तों, आपकी रूटिंग करा देगा, यानी किसी भी सेल्स के गुच्छे में से रूट्स निकाल देगा। जबकि आपका यहां पर अगर आप देखोगे तो शूटिंग जो है वो कौन करा देगा, शूट की इलोंगेशन कौन करा देगा, जर्मिनेशन कौन करा देगा, आपका साइटोकाइनिन करवा देगा। राइट, तो रूटिंग एंड शूटिंग किस वजह से होती है, रूटिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, और साइटोकाइनिन क्यों देना पड़ता है, क्योंकि शूटिंग भी तो करानी है, ऊपर का जो तामझाम है वो भी तो हमें चाहिए। सो दिस इज द मेन थिंग। और ये रूटिंग किस वजह से होती है, क्योंकि सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइटोकाइनिन ही सेल डिवीजन कराता है, साइटोकाइनिन ज्यादा सेल डिवीजन कराएगा दैट इज ऑब्वियस, लेकिन ऑक्सीजन भी सेल्स बना रहा है, तभी तो आपकी रूट निकलेगी, तो सेल डिवीजन वो भी कराता है। ऑलराइट, इसके अलावा जाइलम डिफरेंशिएशन, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ऑक्सीजन कैन डू। मैंने सारी ट्रिक्स बना रखी है ऑक्सीजन की, जिबरेलिन की, साइटोकाइनिन की, इथाइलिन की, एब्सिसिक एसिड की, जो कि आपको मिल जाएंगी ऑन अ वेरी सिंगल नेम। आप डायरेक्टली सर्च करेगा, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा इन द पिंड कमेंट और इन डिस्क्रिप्शन। प्लीज सर्च द ट्रिक्स टू लर्न फंक्शंस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ओजोन क्लासेस, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, आप आसानी से सारी की सारी चीजें ट्रिक से याद कर सकते हैं। समझाने का काम मैं यहां पर कर देता हूं। जैसा मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन जो है ये आपका ह्यूमन यूरिन से भी आइसोलेट किया गया था, क्योंकि अनएब्जॉर्ब्ड ये था। ऑक्सीजन एक इंडोल कंपाउंड है, सबसे कॉमन जो हमें ऑक्सीजन देखने को मिलता है दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसे हम IAA बोलते हैं। तो ये नेचुरली भी पाए जाते हैं प्लांट के अंदर, और कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन भी होते हैं जो प्लांट को दिए जाते हैं, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ बढ़िया हो सके। यानी कई बार प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है तो आप कुछ केमिकल्स स्प्रे करते हैं, उन केमिकल्स में से कुछ होते हैं आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन। राइट, तो सिंथेटिक ऑक्सीजन आप एग्रीकल्चरल प्लांट्स में
एज वेल एज हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस में यूज करते हैं, अगर आपको फ्लावर्स की अच्छी ग्रोथ चाहिए या अगर आपको फसलों की अच्छी ग्रोथ चाहिए और उनमें ऑक्सिन की कमी है तो आप सिंथेटिक ऑक्सिन बाहर से भी स्प्रे कर सकते हो। तो यूजुअली पाए कहां जाते हैं आपको पता है, रूट और शूट की टिप बनाती है, तो जो एपेक्स है स्टेम का और रूट का, ये यूजुअली क्या बनाता है आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बनाता है जिसका नाम है ऑक्सिन। तो ये यहां पर बनेगी एपेक्स पे यानी टिप पे, और जहां पर इसे जाना होगा, जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होगी वहां तक ये माइग्रेट करके पहुंच जाए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ऑक्सिन आपका नेचुरल भी हो सकता है, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, वो आपका सिंथेटिक भी हो सकता है, बनाया हुआ भी, जैसे नेफ्थलीन एसिटिक एसिड इज सिंथेटिक इन नेचर। 2,4-D जिसपे से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, 2,4-D का फुल फॉर्म है 2,4-dichlorophenoxy एसिटिक एसिड या 2,4-dichlorophenoxy एसिटेट। यहां पर आ रहा है डी नाम के अंदर 2,4-D, तो ये क्या है, ये एक हर्बिसाइड है या ये एक वीडिसाइड है जो स्पेसिफिकली डायकॉट्स को मारता है, डी फॉर डायकॉट्स। ये मोनोकॉट्स को नहीं मारता, ये सिर्फ और सिर्फ डायकॉट पर हमला करेगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो आपको पता भी लग जाएगा कि 2,4-D जो है ये सिर्फ और सिर्फ डायकॉट वीड्स को मारता है, मोनोकॉट वीड्स को नहीं मारता, राइट। चलिए अब ये रूटिंग में हेल्प करता है, तो इनिशिएट करते हैं रूटिंग को। प्लस अगर आप कहीं छिड़केंगे ऑक्सिन तो ये आपका प्रमोट भी करेंगे फ्लावरिंग को इन पाइनएप्पल। तो फ्लावरिंग जो है पाइनएप्पल में वो इनिशिएट करता है कोई और, यूजुअली आपका कोई और हार्मोन जो है इनिशिएट करेगा फ्लावरिंग को पाइनएप्पल में। मैं आपको बताऊंगा आगे कौन सा हार्मोन है, लेकिन प्रमोट करता है कौन, प्रमोट करता है आपका ऑक्सिन। उसके बाद ये आपके फ्रूट को और लीफ को पेड़ पे से गिरने में यू नो हेल्प करता है व्हेन दे गेट मैच्योर्ड, लेकिन अर्ली स्टेज में प्रिवेंट करता है। सो ऑक्सिन प्रिवेंट्स द ड्रॉप ऑफ फ्रूट एंड लीफ इन अर्ली स्टेजेस, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएंगे ना तो इनको गिरना पड़ेगा, क्योंकि अब फल पक चुका है, उससे ज्यादा रहेगा पेड़ के ऊपर तो दिक्कत है, तो उसको गिरना पड़ेगा, तो वो गिरा देता है ऑक्सिन। एपिकल डोमिनेंस नाम का एक फेनोमेना है विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट शुड बी रेड बाय ऑल ऑफ यू गाइस। यहां पर कुछ बर्ड्स होते हैं दोस्त, ये जो आपका सबसे टॉप पे बर्ड होता है ना, इस टॉप के बर्ड को हम लोग कहते हैं एपिकल बर्ड, और ये जो साइड में चुटुर मुटुर बर्ड्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं हम लोग एक्सिलरी बर्ड, इनको हम लोग कहते हैं एक्सिलरी बर्ड, राइट। ऊपर वाला सबसे टॉप पे जो है दैट इज एपिकल बर्ड, नीचे वाले हैं एक्सिलरी बर्ड। ये जो ऊपर वाला बर्ड है ये नीचे वाले बर्ड्स को इनहिबिट करता है, इनकी ग्रोथ को नहीं होने देता, इनकी ग्रोथ को नहीं होने देता, इसे हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, यानी एपिकल बर्ड नीचे वाले बर्ड्स को सप्रेस कर देता है, इन्हें ग्रो नहीं करने देता। लेकिन लेट्स से मैंने एपिकल बर्ड ही काट दिया, अगर मैंने ये एपिकल बर्ड काट दिया तो नीचे वाले सारे के सारे छोटे मोटे बर्ड्स की बल्ले बल्ले हो गई ना, तो अब तो ये भी उगना स्टार्ट करेगा, 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 राइट। अब एक्सिलरी बर्ड्स ज्यादा उगेंगे, तो एपिकल बर्ड को जब मैंने हटाया, एपिकल डोमिनेंस जब मैंने खत्म कर दी, तो नीचे वाली लीव्स का नंबर बढ़ गया। अब ऐसी कोई फसल जिसमें लीफ ही सब कुछ है, जैसे चाय पत्ती, नाम क्या है चाय पत्ती, पत्ती तो सब कुछ है उसका, तो अगर उसमें पत्तियां ज्यादा हो गए तो मुझे तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा चाय के बागानों में काफी सारी औरतें जो हैं या काफी सारे वर्कर्स जो हैं वो जाकर के एपिकल बर्ड को हमेशा काटते रहते हैं, जिससे नीचे वाले जो बर्ड्स है वो ग्रो कर पाए और ज्यादा पत्तियां उन्हें मिले सेम प्लांट के अंदर। अब नंबर ऑफ प्लांट सेम है, जमीन सेम है, लेकिन तब भी पत्तियां अगर आप 10 गुना ज्यादा पैदा कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना, तो इसीलिए टी प्लांटेशन में इसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। एंड हेज मेकिंग, आपने अपने स्कूल में देखा होगा कि चारों ओर की जो बाउंड्री होती है उनमें कुछ स्पेसिफिक पौधे लगाए हुए होते हैं जिनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, उन्हें ऊपर से ना हमेशा कोई ना कोई आके कुतरता रहता है कैची की मदद से, राइट। क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं काटोगे ना तो आप देखोगे नीचे वाले बर्ड ग्रो नहीं कर रहे हैं तो उनके बीच में गैप आ गया है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर के बर्ड काट दोगे एकदम मक्खन की तरह जो है एकदम प्लेन आपको हैज देखने को मिल जाएगी, तो वो किस वजह से, एपिकल डोमिनेंस की वजह से। तो एपिकल डोमिनेंस क्यों होती है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सिन, और इसको रिमूव करता है साइटोकाइनिन जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो एंटागोनिस्ट होते हैं। ऑक्सिन जो है ये एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा देता है जबकि साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को कम कर देता है। ऑक्सिन जो है ये पार्थेनोकार्पी भी इंड्यूस करता है, कार्पी का मतलब होता है फ्रूट, यानी ये ऐसे फ्रूट्स डेवलप करता है
पार्थेनोकार्पी यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन जो हो, जिनके अंदर सीड वगैरह जो विदाउट फर्टिलाइजेशन आए हो, जैसे कि टोमेटोज। ओके, जाइलम डिफरेंशिएशन ये करवा देता है, जाइलम के अलग अलग जो टाइप ऑफ सेल्स है उनको ये बनाने में हेल्प करता है, और सेल डिवीजन कराएगा तभी तो रूटिंग करा पाएगा। मैंने आपको इनिशियली ही लिंक करके बता दिया था इस सारे के सारे काम किसके हैं, आपके ऑक्सिन के हैं। ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दैट इज जिबरलिन और जिबरलिक एसिड। आज तक धरती के ऊपर 100 से भी ज्यादा आपके जिबरलिंस यू नो डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन सबसे पहले जो हुआ था ना वो था आपका GA3, जिबरलिक एसिड 3, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है और सबसे ज्यादा स्टडीड भी है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है, सबसे ज्यादा मिलता भी है। तो डिस्कवरी कैसे हुई ये हमें देखना है। एक बीमारी होती है दोस्त जिसे कहते हैं बकाने डिजीज। ये किसमें होती है? राइस में। इसे कहा जाता है फूलिश सीडलिंग डिजीज, यानी राइस की बड़ी बड़ी फसलें खड़ी है तो किसान को लगता है यार अब तो मौज होने वाली है, बहुत अच्छी खासी फसल है, मुझे इससे बहुत मुनाफा मिलेगा। लेकिन जब वो राइस को खोल के देखता है, ऐसी जो आपकी पर्टिकुलर कवरिंग होती है उसको जब खोल के देखता है तो उसे पता लगता है यार इसके अंदर जो है राइस का दाना तो है ही नहीं, तो उसे लगता है यार यार खुद्दू कट गए, तो फूलिश फूल बना दिया है किसी ने। किसने बना दिया है? एक फंगस ने बना दिया है जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराए। तो हम बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, लेकिन ये जो PGR है जिबरलिन, ये सबसे पहले फंगस में देखने को मिला, प्लांट में तो ऑब्वियसली मिलता ही है। तो जिब्रेला फ्यूजिकोराए नाम का ये फंगस था जो अगर किसी प्लांट को स्पेसिफिकली राइस को अगर ये हिट कर दे तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, आप इसके स्टेराइल फिल्ट्रेट्स अगर लेंगे किसी अच्छे खासे प्लांट पर डालेंगे उसमें भी ये बीमारी हो जाएगी। अगर उसमें बीमारी हो गई तो पेड़ दिखेंगे बहुत अच्छे, फसल दिखेगी बहुत अच्छी, लेकिन उसके अंदर दाना नहीं होगा, वो जो है फूल बना रहे होंगे किसान को। ये बात है। अब करता क्या क्या है जिबरलिन? जिबरलिन मैंने आपको बताया 100 से भी ज्यादा प्रकार के जिबरलिन्स आज तक आइसोलेट किए जा चुके हैं। सबसे कॉमनली जो था जो आपका यूज किया गया है, इट वॉज द फर्स्ट जिबरलिन, ये आपका जिबरलिक एसिड 3 था, और इनके नाम फिर ऐसे ही रखे जाने लगे, जिबरलिक एसिड 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 130, जो कि इसका करंट नंबर है, 100 लिखा हुआ NCERT में, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा जो है जिबरलिक एसिड की गड्डी अभी पहुंच चुकी है। इनका नाम है जिबरलिक एसिड क्योंकि एसिडिक है नेचर में, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि दो एसिडिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का नाम बताओ तो क्या करोगे भाई? इनके नाम में घुस जाओ। जिबरलिक एसिड एसिडिक हो गया, नाम में एसिड आ गया, एब्सिसिक एसिड नाम में एसिड आ गया, एसिडिक हो गया, काम खत्म, बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है। यूजुअली ये चीजों की स्टेम की लेंथ को बढ़ाता है जिबरलिक एसिड, बोल्टिंग भी इसे बोलते हैं कि डंडे को ये बड़ा कर देता है, जैसे शुगर केन के पोरी के लेंथ को ये बढ़ा देगा, ग्रेप है तो उसकी स्टॉक की लेंथ को बढ़ा देगा जिससे ज्यादा से ज्यादा अंगूर के गुच्छे लग सके एक लंबी डाली के ऊपर, कोई कैबेज है तो उसकी यू नो बोल्टिंग करा देगा, उसके डंडे की लेंथ को बढ़ा देगा जिससे कैबेज ऊपर आ जाए, कीड़े वगैरह ना लग पाए, तो काफी अच्छे अच्छे काम ये करता है। फलों के साइज को बढ़ा देता है, उनकी शेप को इंप्रूव कर देता है, माल्टिंग प्रोसेस में यानी शराब बनाने के प्रोसेस में भी, ब्रिवरी इंडस्ट्री में भी इसका काफी अच्छा खासा रोल है। तो इन सारी चीजों को देख लेते हैं। अब देखो लेंथ ऑफ एक्सिस बढ़ा देता है, जैसे कि ग्रेप स्टॉक, तो अगर अंगूर के डंडे को आप बढ़ा दे रहे हो साइज में तो उस पर ज्यादा अंगूर लगेंगे ऑब्वियसली। एप्पल जो है इसकी साइज को बढ़ा देता है और इसकी शेप को भी इंप्रूव कर देता है। डिले करता है सेनेसेंस को, यानी चीजों को बूढ़ा होने से रोकता है, क्योंकि अगर चीजें जल्दी सेनेसेंट हो जाएंगी, जल्दी सड़ जाएंगी तो मार्केट पीरियड कम होगा। समझ लो एक फल है जो 3 दिन में सड़ जाता है, तो मुझे उसे 3 दिन के अंदर बेचना है दोस्त, तो मेरे पास सिर्फ 3 दिन है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि वो पेड़ पे ही लगा रहे, कि वो 7 दिन ज्यादा टिक पा रहा है पेड़ पे, तो 7 दिन बाद जब गिरेगा तो मेरे पास 10 दिन हो जाएंगे ना टोटल, 7 दिन तो पेड़ पे रहा, 3 दिन नॉर्मली उसकी लाइफ है ही। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जहां 3 दिन मिल रहे थे पहले मुझे, अब 10 दिन मिल रहे हैं, क्योंकि वो पेड़ से गिर नहीं रहा है तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई, अच्छे तरीके से जो है मैं उसे बेच पाऊंगा। तो ये पेड़ पर लंबे समय तक टिक पाते हैं। माल्टिंग प्रोसेस में यानी शराब बनाने के प्रोसेस में भी इसका इंपॉर्टेंट योगदान है। गन्ने के डंडे की लेंथ को ये बढ़ाता है, इतना ज्यादा बढ़ा देता है गन्ने के डंडे की लेंथ को कि अगर आप 1 एकड़ पर खेती करते हैं तो आप 20 टन ज्यादा गन्ना उगा पाएंगे, 20 टन ज्यादा यानी 20,000 kg आप ज्यादा गन्ना प्रोड्यूस कर पाए जस्ट बिकॉज आपने जिबरलिक एसिड छिड़क दिया।
तो सोचो उत्पादन कितना बढ़ा। सिमिलरली कुछ कॉनिफर्स हैं जो कोन लाइक ट्रीज होते हैं, उनके यंग स्टेज में आपने उनके ऊपर जिबरलिक एसिड स्प्रे कर दिया, तो ये क्या करेंगे, जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करेंगे, जल्दी जल्दी मैच्योरिटी गेन कर लेंगे। जल्दी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो जल्दी सीड बनेगा, तो अर्ली सीड प्रोडक्शन इनके अंदर हो जाता है। एंड ये बोल्टिंग भी कराते हैं, जैसा मैंने कहा था कि आपका जो बीट है, कैबेज है या रोजेट हैबिट के जो भी प्लांट है, जैसे कि आपका पत्ता गोभी हो गई, इनके डंडे की लेंथ को बढ़ा देता है। तो ये डंडे की लेंथ है, ये ऊपर पत्ता गोभी है, तो यूजुअली यहां पर क्या होता है, कीड़े वगैरह नीचे नहीं लग पाते। ओके, ये इसकी बोल्टेड स्टेम है, ये इसकी बोल्टेड स्टेम है, राइट। दिस इज अबाउट द जिबरलिक एसिड, दिस इज अबाउट जिबरलिक एसिड। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर अब बात आती है स्कूग साहब की। स्कूग साहब ने क्या देखा कि इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम जो है, जिसको कैलस बोल रहे थे हम, कैलस मतलब एक सेल्स का गुच्छा, जो मैंने आपको बताया था पीछे, मैंने बनाकर भी दिखाया था कि ये आपका अगर एक सेल का गुच्छा है, कहां बनाया था यार, ऑक्सीजन के, ये एक सेल का गुच्छा है, तो इसमें आपको रूटिंग भी करानी है और शूटिंग भी करानी है। तो रूटिंग के लिए तो आपने ऑक्सीजन डाल दिया, शूटिंग के लिए क्या करोगे, कुछ और एडिशनल सप्लीमेंट तो चाहिए ना, सिर्फ रूट होने से कुछ नहीं होता, आपको स्टेम भी चाहिए। तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन तो आपको डालना ही डालना है, लेकिन इसके साथ आपको और न्यूट्रिएंट्स देने होंगे, जिसमें या तो वस्कुलर टिश्यूज का एक्सट्रैक्ट हो जाइलम और फ्लोएम का, जिसमें खूब एनर्जी रहती है क्योंकि खाने पीने का सामान है जाइलम फ्लोएम में, या आपके पास ईस्ट एक्सट्रैक्ट हो, ईस्ट के सेल जो है खूब एनर्जी देंगे, या कोकोनट मिल्क हो, कोकोनट तो यार एंडोस्पर्म होता है तो बहुत तगड़ी एनर्जी होती है उसके अंदर, या आपका डीएनए हो। अब ये दिया क्यों स्कूग साहब ने, स्कूग और उनके कोवर्कर्स ने इसीलिए दिया जिससे कि शूटिंग इनिशिएट हो जाए, क्योंकि जो वस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, कोकोनट मिल्क है, डीएनए है, ये डीएनए और बाकी सारी चीजें जो है ये सप्लीमेंट्स के तौर पर काम करती है और सेल डिवीजन के रेट को बढ़ा देती है। अगर सेल डिवीजन का रेट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली बेहतर तरीके से आप सेल डिवीजन करवा पाएंगे, मल्टीपल सेल्स आपको देखने को मिलेंगे एंड बहुत बढ़िया शूटिंग आपकी वहां पर हो पाएगी, राइट। तो स्कूग और मिलर साहब ने ऐसे काफी सारे सब्सटेंसेस पर रिसर्च करी और उन्हें कुछ सब्सटेंसेस मिले जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। ऐसे ही एक सब्सटेंस को इन्होंने कहा काइनेटिक, जो कि यूजुअली प्लांट में नहीं पाया जाता है, तो ये इन्होंने बाद में प्लांट में अलग अलग चीजों को नोटिस किया, जैसे कि जिएटिन वगैरह जो कि प्लांट्स में पाए जा रहे थे, वो भी साइटोकाइनेसिस करवाते हैं। तो काइनेटिन इज अ सब्सटेंस जो कि साइटोकाइनेसिस कराता है, और जिएटिन, जिया नाम में ही आ रहा है, जिएटिन इट वॉज टेकन फ्रॉम जिया मेज, तो मेज से जो है उन्हें मिला, मक्का से उन्हें मिला कॉर्न कर्नल से, जो कि सेल डिविजन करवा रहा था। तो काइनेटिन इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर द प्लांट्स, बट जिएटिन इज फॉर प्लांट्स। तो देखिए साइटोकाइनेसिस जो है, इनके अंदर एक वर्ड आ रहा है साइटो यानी कि सेल, और काइनिन दैट इज डिवीजन। तो सेल डिवीजन जो है ये करवाते हैं ये स्पेसिफिक केमिकल्स। तो इन्होंने देखा कि एक काइनेटिन नाम का केमिकल है जो कि स्कूग और मिलर साहब ने आइडेंटिफाई किया था, विच वॉज derived from adenine। मैंने आपको क्या बताया था, N6 perfuryl amino purine। तो ये जो purine है इसके 6th nitrogen के ऊपर आपने perfuryl group लगाया, या जो adenine है इसके 6th nitrogen के ऊपर आपने perfuryl group लगाया, और क्या बन गया आपका, cytokinin बन गया। तो यहां पर इन्होंने क्या देखा कि जो kinetin है, since इन्होंने पहले DNA डाल के देखा था auxin के साथ, तो इन्होंने herring sperm DNA को यहां पर लिया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि सबसे पहले किसका इस्तेमाल हुआ था। तो हमने क्या कहा था, या तो वस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट को ले लो, या ईस्ट एक्सट्रैक्ट ले लो, या कोकोनट मिल्क ले लो, या डीएनए ले लो। इन्होंने हेरिंग स्पर्म डीएनए लिया जिसमें एक केमिकल था कॉल्ड काइनेटिन। तो काइनेटिन प्लांट में तो नेचुरली नहीं मिल रहा था, तो इन्हें बाहर से डालना पड़ रहा था जो कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा दे। लेकिन बाद में कुछ प्लांट्स में, जैसे कि आपका कोकोनट मिल्क के अंदर और कॉर्न कर्नल के अंदर, इन्हें जिएटिन मिल गया जो कि एक प्लांट के अंदर पाया जाने वाला नेचुरल साइटोकाइनिन था, तो इन्होंने इस पे काम स्टार्ट कर दिया। जब इस जिएटिन को आप डालते हो या काइनेटिन को जब आप डालते हो प्लांट के अंदर, तो सेल डिवीजन बढ़ती है, और जाहिर सी बात है अगर आपको कहीं से साइटोकाइनिन डिराइव करना है तो कहां मिलेगा आपको साइटोकाइनिन, वहां पर जहां पर सेल डिवीजन ज्यादा हो रही है। सेल डिवीजन कहां पर ज्यादा होगा,
रूट एपेक्स के ऊपर, क्योंकि वहां पर रूट एपिकल मेरिस्टम है, शूट एपेक्स के ऊपर जहां पर शूट एपिकल मेरिस्टम है, यंग फ्रूट जिनको बड़ा होना है, यंग लीव्स जिनको बड़ा होना है, फ्लावरिंग अगर कहीं पर हो रही है, बड से फ्लावर बन रहा है तो फ्लावर बड़ा बनेगा, तो अल्टीमेटली उन जगहों पर जहां पर सेल डिवीजन हो रही है वहां से आप आसानी से किसी साइटोकाइनिन को डेराइव कर सकते हैं, जैसे जिएटिन। प्लांट के अंदर आपको काइनेटिन तो मिलेगा नहीं, तो जिएटिन मिल सकता है। सिमिलरली आपकी कहीं नई पत्ती बन रही है, नया क्लोरोप्लास्ट बन रहा है, लेटरल शूट ग्रोथ हो रही है, चौड़ाई बढ़ रही है शूट की, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन हो रही है, अलग अलग जगह से आपके अलग अलग ऑर्गन्स निकल रहे हैं प्लांट के अंदर, सेल डिवीजन कहीं पर भी हो रही है, तो जाहिर सी बात है वहां पर साइटोकाइनिन आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था ऑक्सिन जो है आपका एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाता है जबकि साइटोकाइनिन इसको ओवरकम करता है, यानी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस के केस में अपोजिट है। ये कुछ काम साथ में मिलकर भी कर सकते हैं, जैसे साइटोकाइनिन भी सेल डिवीजन करवाता है और ऑक्सिन जो था वो भी रूटिंग करवा रहा था, यानी सेल डिवीजन करवा रहा था, तो ये काम दोनों मिलकर कर सकते हैं सेल डिवीजन का। लेकिन ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस बढ़ाता है जबकि साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को कम करता है। साइटोकाइनिन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन भी कराता है, जाहिर सी बात है अब सेल डिवीजन हो रहा है तो उसके लिए न्यूट्रिएंट भी चाहिए होंगे, और वो जो न्यूट्रिएंट है कौन प्रोवाइड करेगा, साइटोकाइनिन। और इट हेल्प्स इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, यानी पत्तियों को यह बूढ़ा नहीं होने देता, पत्तियों को लंबे टाइम तक जवान होने देता है, क्योंकि उनके अंदर सेल डिवीजन को ये अनलीश कर देता है, उस पोटेंशियल को ये अनलीश कर देता है। अब देखो यार, अगला जो आपका हार्मोन है दैट इज बेसिकली द एब्सिसिक एसिड। तो मिड 1960s के आसपास, यानी 1965 के आसपास, तीन साइंटिस्ट ने एक रिसर्च करी और इन्होंने बोला यार मैंने भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर खोजा है। एक ने बोला मेरे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का नाम है इनहिबिटर बी, क्योंकि वो इनहिबिशन कराता है। दूसरे ने बोला मेरे वाले का नाम है एब्सिशन 2, क्योंकि वो एब्सिशन कराता है। और तीसरे वाले ने कहा मेरे वाले का नाम है डॉर्मिन, यानी ये डॉर्मेंसी कराता है। बाद में जब इन तीनों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को चेक किया गया तो पता लगा कि यार ये तो सेम है एकदम, तीनों की तीनों चीजें सेम है और एब्सिसिक एसिड ही है। तीनों के तीनों लोग सेम ही चीज की बात कर रहे थे, जिसे एबीए बोल दिया गया, क्योंकि एब्सिशन कराता है और डॉर्मेंसी भी कराता है। तो इसके ज्यादातर जो फंक्शंस हैं ये बेसिकली आपके कैसे हैं, नॉर्मल फंक्शन है, चीजों को रोकने वाले फंक्शन है, इनहिबिटरी फंक्शन। तो इसे एब्सिसिक एसिड बोला गया, यानी कि ये आपका एसिडिक है नेचर के अंदर। तो इसके नॉर्मल जो नेगेटिव फंक्शंस है वो है एब्सिशन, यानी चीजों को झड़वा देता है बहुत जल्दी प्लांट पे से बूढ़ा करके, और डॉर्मेंसी चीजों को इनएक्टिवेट रहने देता है, जैसे सीड डॉर्मेंसी, बड डॉर्मेंसी, बड को फ्लावर नहीं बनने देगा, उसे डॉर्मेंट रखेगा, सीड को पेड़ नहीं बनने देगा, सीड को डॉर्मेंट रखेगा। तो इसके जो काम है ये यूजुअली इनहिबिटरी काम है, जैसे कि सीड जर्मिनेशन को ये इनहिबिट कर देगा। देन एबीए जो है, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्लांट में सबसे कॉमन स्ट्रेस कौन सा है, वाटर स्ट्रेस, यानी पानी की कमी। अगर एक प्लांट में पानी की कमी है तो सबसे बेहतर चीज वो क्या कर सकता है, अपने गेट्स को बंद कर सकता है, यानी स्टोमेटा का क्लोज कर सकता है। स्टोमेटा अगर बंद हो गया तो पानी अब भाप बन के नहीं उड़ेगा, ट्रांसपायर नहीं होगा, तो पानी जो है प्लांट के अंदर ही रुक जाएगा। तो स्टोमेटा को क्लोज करने का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड, इसीलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। स्टोमेटा को इसने क्लोज कर दिया, काम खत्म। ओके? अब इसका रोल है सीड डेवलपमेंट के अंदर भी, मैचुरेशन के अंदर भी, डॉर्मेंसी के अंदर भी। जब ये डॉर्मेंसी इंड्यूस करता है, चीजों को इनएक्टिव रखता है, तो डेसिकेशन से बचा लेता है चीजों को, यानी सूखने से बचा लेता है, यानी समझ लो पानी है ही नहीं आसपास तो सीड जर्मिनेट करेगा कैसे, तो ये उसके अंदर डॉर्मेंसी इंड्यूस कर देता है कि यार तुम नॉर्मली पड़े रहो कम पानी में, और जैसे ही पानी आएगा ना मैं तुम्हें जर्मिनेट करा दूंगा। तो ये डॉर्मेंसी एक अच्छी चीज है अगर टेक्निकली देखा जाए तो। सिमिलरली अगर आप देखें तो सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर रहा है पानी के एब्सेंस में, अच्छी चीज है। बड को भी बोलेगा यार अच्छे न्यूट्रिएंट्स होंगे ना तब तुझे ग्रो करने दूंगा, तो वो ठीक चीज है। तो प्लांट के अंदर इसीलिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज का कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रोल होता है। तो एबीए मोस्ट ऑफ द चीजों में एंटागोनिस्ट है जीए का, यानी जिबरेलिक एसिड का। ये याद कैसे करना है, दो ही हॉर्मोन्स के एंड में एसिड लगता है, एब्सिसिक एसिड और जिबरेलिक एसिड, तो ये दोनों एक दूसरे के ठीक ठाक अपोजिट है। काफी सारी चीजों में जिबरेलिक एसिड जैसा काम करेगा, एब्सिसिक एसिड उसका उल्टा करेगा। जैसे जिबरेलिक एसिड चाहता है कि चीजें जो है जल्दी जल्दी आपकी मैच्योर हो जाए, ये रोक के रखता है, राइट। जिबरेलिक एसिड चीजों को प्रमोट करता है, एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है। जिबरेलिक एसिड चाहता है सीड जर्मिनेट हो जाए, एब्सिसिक एसिड नहीं होने देता,
ये चाहता है कि बड जल्दी ग्रो कर जाए, ऐसे से कैसे नहीं होने देता, काफी सारी चीजों में कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, काफी सारी चीजों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। सिमिलरली ऐसे काफी सारे हॉर्मोन्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं या तो एंटागोनिस्टिक होते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं कहता हूं सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन कौन कौन करा रहा है? अगर मैं बोलूं सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन आपका ऑक्सिन भी करा रहा है, आपका साइटोकाइनिन भी करा रहा है, तो सेम हो गया ना, सेम हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं लेट्स से एपिकल डोमिनेंस, तो एपिकल डोमिनेंस में क्या हो जाएगा, ऑक्सिन जो है ये एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाएगा, जबकि साइटोकाइनिन जो है उसको खत्म कर देगा। साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को खत्म कर देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं यहां पर लिख दूं कि एपिकल डोमिनेंस के अलावा कुछ और चीजें लेते हैं इनटू कंसीडरेशन, देन यू विल गेट टू नो अबाउट दिस फैक्ट वेरी वेल कि जिबरेलिक एसिड लेट्स से बड डोरमेंसी को ब्रेक करना चाह रहा है, लेकिन एब्सेसिक एसिड जो है वो चाह रहा है कि डोरमेंट रहे, जर्मिनेट ना हो, तो ये दोनों भी एंटागोनिस्ट हो गए। सिमिलरली कुछ हॉर्मोन्स इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं जो अकेले ही कोई काम करेंगे, जैसे जिबरेलिक एसिड है, बोल्टिंग सिर्फ मैं करूंगा। कुछ सिनर्जिस्टिक हो सकते हैं, जैसे सेल डिवीजन कि भैया ऑक्सिन कह रहा है भैया मैं भी कर लेता हूं, साइटोकाइनिन तू भी यार थोड़ी हेल्प कर दे, तो दोनों ही मिलके वो काम कर ले रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार की कॉम्बिनेशंस में भी आप इस्तेमाल करते हैं अक्सर इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का। अब जो सबसे लास्ट हार्मोन आता है, दैट इज कॉल्ड एज इथाइलिन। कजिन्स नाम के साइंटिस्ट थे, ऐसा मैं सोचना कि तुम्हारी मौसी के लड़के ने किया या मेरी मौसी के लड़के ने किया है। कजिन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक वॉलेटाइल कंपाउंड देखा। इन्होंने देखा कि यार जो सड़ा हुआ फल रहता है ना, या जो ज्यादा पका हुआ फल रहता है, उससे कुछ गैसेस रिलीज होती हैं और वो बाकी फलों को भी पका देती हैं और बहुत जल्दी सड़ा देती हैं। उस गैस का नाम है इथाइलिन। तो अगर आप एक पकी हुई संतरा को कुछ कच्चे केलों के बीच में रख दोगे, तो अगले दिन आपको दिखाई देगा कि सारे केले पक चुके हैं, वो इथाइलिन की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। इसे हम मार्केट में भी यूज करते हैं बाय द नेम इथिफोन। तो एक नाम है इसका इथिफोन, जो कि यहां कहीं पर लिखा भी होगा एग्जैक्टली। तो ये मार्केट में यूज होने वाला सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा मार्केट में कौन यूज होता है, इथाइलिन, इथिफोन नाम से ये मिलता है, जिसे आप करवाट भी बोलते हैं। दुकानदार के पास जाएंगे आपको मिल जाएगा। यूजुअली एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, तो आप इसे जब छिड़कते हैं फलों के ऊपर तो ये फ्रूट को पका देता है बहुत जल्दी, और एब्सिशन भी करवा देता है। अब कोई फ्रूट अगर जल्दी पक रहा है तो पेड़ पे से भी जल्दी गिरेगा, जाहिर सी बात है। तो ये सारी चीजें जो है यहां पर हो जाती है। तो इट एक्सेलरेट्स द एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, दैट इज थिनिंग ऑफ कॉटन, बहुत जल्दी पका देता है चेरी एंड वॉलनट, जिससे वो नीचे गिर जाए, एंड इट प्रमोट्स द फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर, जिससे कि उनकी यील्ड बढ़ जाए। तो ये कुकुम्बर में फ्लावरिंग करवाते हैं, एज वेल एज चीजों को जल्दी पका देते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत बेहतर तरीके से हम मार्केटिंग कर पाए। इट इनिशिएट द फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, प्रमोट कौन कर रहा था, मैंने आपको बताया था ऑक्सिन, ऑक्सिन पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा था, यानी बढ़ा सकता है, लेकिन इनिशिएट कौन करेगा, आपका इथाइलिन। तो पहले जब आप इथाइलिन स्प्रे करेंगे तो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग इनिशिएट होगी, फिर जब कम हो रही होगी फ्लावरिंग तब आप ऑक्सिन स्प्रे कर सकते हैं एंड यू कैन इंक्रीज इट अप। तो इथाइलिन आपका एक गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो कि चीजों को सड़ा देता है, बहुत जल्दी सेल डिवीजन करा देता है उनमें, जिससे वो जल्दी पक जाती हैं, जल्दी सड़ जाती हैं, जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, सेनेसेंट हो जाती हैं, जल्दी पेड़ पे से गिर जाती हैं, और ये फ्रूट राइपनिंग भी करा देता है। यहां पर हो जाती है आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, यानी कोई सीडलिंग है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करना स्टार्ट करती है, मोटी हो जाती है, एक्सिस उसकी स्वेल हो जाती है, यानी मोटी एक्सिस बन जाती है, एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन। जब भी कोई चीज आपकी ग्रो करती है ना, सीडलिंग वगैरह, तो एपिकल हुक बनाती है ऊपर भी नीचे भी, जिसे वो बेहतर तरीके से ग्रो कर पाए, इसे हम क्या कहते हैं, हुक फॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें जो कि सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प कर रही हैं, फॉर एग्जांपल ऑफ डाइकॉट सीडलिंग, ये क्या है आपकी, जर्मिनेट करने में हेल्प कर रही हैं, ये इथाइलिन करवाता है, राइट। तो ये चीजों की सेनेसेंस में हेल्प करता है, जैसा मैंने बताया, चीजों को जल्दी डिवाइड करवाएगा, जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, फ्रूट्स को जल्दी पका देगा, इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, यानी जब आप इथाइलिन छिड़केंगे किसी फ्रूट के ऊपर तो वो जल्दी जल्दी रेस्पायर करेगा, जल्दी जल्दी पक जाएगा, जल्दी जल्दी सड़ जाएगा, इसे आप रेस्पायरेटरी क्लाइमेटिक कहते हैं। ये आपका ब्रेक करता है सीड और बड डोरमेंसी, जैसा मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि सीड में हुक फॉर्मेशन आपका
एक्सिस मोटी होना, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, वो सब कौन करा रहा है? इथाइलिन। तो ये चीजों को ग्रो कराता है, ओके, जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। जैसे पीनट सीड है तो इनकी जर्मिनेशन कराएगा, पोटैटो ट्यूबर है तो इनको जर्मिनेट कराएगा, राइट, पेटियोल इलोंगेशन कराएगा या इंटरनोड इलोंगेशन कराएगा इन डीप वाटर राइस प्लांट। यानी प्लांट अगर राइस का है तो जाहिर सी बात है उसे बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है, लेकिन पानी में ठीक से लीफ काम नहीं कर पाती तो उनको थोड़ा सा ऊपर लेके आता है ये, और पत्तियां पानी के लेवल से ऊपर लेके आ जाता है। तो पत्तियां आपकी ऊपर आ जाए पानी के लेवल से, उसके लिए इथाइलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिमिलरली ये रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, जिससे कि चीजों की एब्जॉर्प्शन बहुत बेहतर तरीके से हो पाए। तो अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ और इंक्रीज इन फॉर्मेशन ऑफ द रूट हेयर्स, एंड दैट इज इथाइलिन। ये रूट हेयर और रूट ग्रोथ को बढ़ाता है, जिससे कि चीजें बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब हो पाए। राइस का प्लांट है तो उसके जो पत्ते हैं उनको वाटर के लेवल से ऊपर ले जाने में हेल्प करता है, सीड और बड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है, और वो डोरमेंसी दे कौन रहा था? एब्सिसिक एसिड। तो चीजों का जब आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग, राइट। तो काफी सारी चीजें, काफी सारे पॉजिटिव इंपैक्ट हमने पढ़े, काफी सारे नेगेटिव इंपैक्ट हमने पढ़े। हमने देखा कि इंट्रिंसिक कंट्रोल दो तरीके का था, एक तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर द्वारा हो रहा था, एक जेनेटिकली हो रहा है। तो जेनेटिक वाला हमारे सिलेबस में यूजुअली है नहीं, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखते हैं कि डीएनए किस हिसाब से हमारे बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस को केटर करता है, तो वो हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और बाकी काफी सारे पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे जो कि हमें देखने हैं। अब हमें आगे क्या देखना है? वर्नलाइजेशन, वी नीड टू टॉक अबाउट फोटोपीरियडिज्म, एंड वी नीड टू टॉक अबाउट डॉर्मेंसी। तो ये जो डॉर्मेंसी है एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल। सो दिस वॉज इट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि आपको कंफ्यूजन हो रही है इन सारे के सारे चीजों को याद करने में, देन मेक श्योर टू सर्च वन वीडियो ऑफ माइन, जिसमें आपको सारे के सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और उनके फंक्शंस को याद करने की ट्रिक मिल जाएगी। उस वीडियो का नाम है ट्रिक्स टू मेमोराइज द फंक्शंस ऑफ पीजीआर बाय ओजोन क्लासेस। सारी की सारी चीजें 20 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएंगी फॉर श्योर। 100 डेज क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है दोस्तों, बहुत ही बेहतर तरीके से आप यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ पाएंगे, ना कि सिर्फ रिवाइज कर पाएंगे बल्कि पढ़ पाएंगे, बिकॉज इट इज अ फुल डिटेल्ड कोर्स। मात्र 2100 रुपए में आपको एक कोर्स मिलने वाला है। प्लीज मेक श्योर कि आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड आप हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट इज मार्क्सअप लर्निंग एप्लीकेशन, जहां पर आपको काफी सारे क्वेश्चन बैंक्स भी मिलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 10 रुपीज टू 100 रुपीज। एंड आपको अगली वीडियो में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, पूरे के पूरे यूनिट के नोट्स, यानी ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड पीजीआर, 5 चैप्टर के नोट्स आपको एक दिन के अंदर मिल जाएंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर इन नोट्स को देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार हर चीज का, जाकर के अपने आप को कनेक्ट करवा लीजिए हमारे साथ, ज्वाइन करवा लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, विल श्योरली बी कैचिंग यू अप इन कमिंग वीडियोज ऑफ माइंड, जहां पर हम प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट को खत्म कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, आई विल श्योरली कैचिंग यू अप इन द नेक्स्ट लेसन।